हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो मास्टर जी में फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहां पे आज हमारे पास है रियलमी 7 फोन। इस फोन का दोस्तों आज मैं 0 to 100% चार्ज करेंगे और दोस्तों बताएंगे कितने देर में कंप्लीट चार्ज होता है और फोन को चार्ज करते हुए हीट होता है या नहीं होता है, सारा चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा फोन में 0% चार्ज है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और चैनल पर आप अगर न्यू आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन बता दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास रियलमी 7। इस फोन में 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है। तो इसे 0 to 100% चार्ज करेंगे और चार्ज करने के लिए दोस्तों बॉक्स का चार्जर यूज करेंगे, जो कि 30 W का डार्ट चार्जर मिल जाता है। और चार्ज करने के लिए जो डाटा केबल यूज करेंगे, बॉक्स के अंदर जो डाटा केबल आता है उसी को यूज करेंगे। और यहाँ पे है हमारे पास एक एक्स्ट्रा फोन जिसमें स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कितने देर में कितना चार्ज हो रहा है और हीट भी चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फटाक से हम अपना चार्जिंग एडाप्टर को कनेक्ट करते हैं बोर्ड के साथ और चार्जिंग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चार्जर को कनेक्ट कर दिया हूँ बोर्ड के साथ और यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, हमारे फोन में 0% चार्ज है। और ये मैं इंसर्ट किया अपना चार्जर को, ओके। और यहाँ पे स्टॉप वॉच भी ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा फ़ोन चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए, और हमारा स्टॉप वॉच भी ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हम फ़ोन को ऑन कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी फ़ोन स्विच ऑफ करके चार्ज नहीं करता है। तो अभी 1% होने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 1% चार्ज हो गया, मैं फ़ोन को अभी ऑन कर देता हूँ। ये देखिए ऑन हो रहा है। जब तक ऑन होता है दोस्तों, यहाँ पे हीट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, रूम टेम्परेचर जो है हमारा 31 है। और फ़ोन की हीट की बात करें तो यहाँ पे फ्रंट में आपको 32 देखने को मिल जाता है और बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको 33 देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी पहले हम इसे 15 मिनट के लिए चार्ज करते हैं और दोस्तों देखते हैं 15 मिनट में हमारा फ़ोन कितना चार्ज होता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन को चार्ज करते हुए हमारा 15 मिनट पूरा हो चुका है, स्टॉप वॉच में आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम चेक कर लेते हैं हमारा फ़ोन में कितना चार्ज हुआ है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 29% चार्ज हो चुका है 15 मिनट में, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों, अभी थोड़ा हम ब्राइटनेस कम करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरीके से दिख पाए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 30% चार्ज हो चुका है, ओके। तो फ्रेंड्स, अभी हम हीट चेक कर लेते हैं हमारा फ़ोन में हीट कितना हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, रूम टेम्परेचर है हमारा 31, ओके। और फ़ोन की हीट की बात करें तो फ्रंट में आपको 36 देखने को मिल जाता है और बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे देखिए 37 देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम फ़ोन को 30 मिनट के लिए और चार्ज करते हैं और दोस्तों देखते हैं 30 मिनट के बाद कितना चार्ज होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फ़ोन को चार्ज करते हुए 30 मिनट और पूरा हो चुका है और टोटल जो टाइम हुआ है वो 45 मिनट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारे फ़ोन में कितना चार्ज हुआ है और फ़ोन में हीट क्या हुआ है। तो चार्ज की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 80% चार्ज हो चुका है हमारा फ़ोन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से चार्ज हो रहा है। और इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पे हीट की बात करें तो रूम टेम्परेचर आप देख सकते हैं यहाँ पे 31 है। और फ़ोन की हीट की बात करें तो फ्रंट में आपको यहाँ पे 36 देखने को मिल जाता है और बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे देखिए 37 देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम फ़ोन को 100% चार्ज करते हैं और दोस्तों देखते हैं 100% चार्ज कितने देर में होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन 100% चार्ज हो गया है और कितने देर में कंप्लीट हुआ, ये देखिए 1 hour 5 minutes में हमारा फ़ोन कंप्लीट 100% चार्ज हो चुका है, ये देखिए गाइस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 100% चार्ज हो जाता है 1 hour 5 minutes में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पे हीट की बात करें तो रूम टेम्परेचर देख लेते हैं 31 है और फ़ोन की हीट की बात करें तो बैक साइड में 34 देखने को मिल जाता है और फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 34 देखने को मिल जाता है, मतलब रूम टेम्परेचर में आ चुका है। और दोस्तों, आप लोग के एक छोटा सा क्वेश्चन रहता है, चार्जिंग एडाप्टर हीट होता है या नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चार्जिंग एडाप्टर भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 37 है, ओके। इसका मतलब दोस्तों हल्का हीट होता है, ओके, और फ़ोन भी थोड़ा हीट होता है चार्ज करते वक्त, लेकिन जब 100% हो जाएगा आपका फ़ोन पूरा रूम टेम्परेचर में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपके पास अगर रियलमी 7 है तो आपका फ़ोन कितने देर में चार्ज हो रहा है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये फ़ोन बाय करना है, बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप अगर चाहे तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।